दोस्तों, यूं तो हमें रंगों से बड़ा प्यार होता है, मगर जब बात एनिमल्स की आती है तब किसी भी प्रजाति के सफेद जानवर हमें रंग बिरंगी जानवरों से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। उदाहरण के लिए चूहों को ही देख लीजिए। कई लोग आम दिखने वाले चूहों को पसंद नहीं करते, मगर सफेद चूहों को तो पेट्स की तरह पाला जाता है। या फिर इस बेहद खूबसूरत सफेद मोर को ही देख लीजिए। हालांकि ऐसे प्राणी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इनके सफेद रंग के कारण ऐसे जीव ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, और यही वजह है कि इनकी संख्या कम ही होती है। अगर आपने सफेद प्राणियों को देखा है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत ही समझिए, और अगर नहीं देखा है तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ बेहद खूबसूरत ऐसे सफेद प्राणियों से जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले आपको मिलवा रहे हैं द वन एंड ओनली अल्बिनो गोरिल्ला से। ये है स्नोफ्लेक। ये एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला है जो 1966 में मिला था। इसे बाद में बार्सिलोना जू में रखा गया। स्नोफ्लेक के साथ वाले सारे गोरिल्ला को मार दिया गया, मगर इसे सिर्फ इसके खूबसूरत रंग के कारण जिंदा रखा गया ताकि इनके वंश को बढ़ाया जा सके। जू वालों ने इस तरह के और गोरिल्ला को लाने के आदेश भी दिए, मगर ऐसा अल्बिनो गोरिल्ला ढूंढने पर भी नहीं मिल सका। वैज्ञानिकों ने जब इस गोरिल्ला के इतने यूनिक होने की वजह जानने का प्रयास किया, तब एक नई जानकारी सामने आई जिसके मुताबिक स्नोफ्लेक के पेरेंट्स के 12% डीएनए कॉमन थे, और दोनों में ही वो जीन था जो एल्बिनिज्म के लिए उत्तरदायी होता है, और यही वजह है कि स्नोफ्लेक ने इसे ग्रहण कर लिया। ये अल्बिनो गोरिल्ला बेहद ही जल्दी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। कई किताबों में स्नोफ्लेक की तस्वीरें छपी, इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई। स्नोफ्लेक ने कुल 22 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से केवल 6 ही वयस्क अवस्था तक पहुँच पाए, लेकिन इनमें से एक भी अल्बिनो गोरिल्ला नहीं हुआ। हालांकि स्नोफ्लेक के ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि पड़पोते की उंगलियां कुछ गुलाबी रंग की थी, जो शायद एल्बिनिज्म का ही नतीजा थी। सन 2001 में स्नोफ्लेक स्किन कैंसर का शिकार हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। स्नोफ्लेक अपनी जिंदगी के 37 साल जिया, जो कि इंसानी उम्र की तुलना में 80 साल के बराबर है। डियर, क्या आपने कभी सफेद हिरण देखे हैं? हम कहानियों और कार्टून फिल्मों में दिखने वाले एनिमेटेड हिरणों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल असली वाले सफेद हिरण की, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि फिनलैंड और अमेरिका। न्यूयॉर्क को तो इन सफेद हिरणों के झुंड का घर ही कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा व्हाइट डियर यहीं पर पाए जाते हैं। और हम आपको बता दें कि ये हिरण एल्बिनो हिरण नहीं है। इनके जो जीन्स होते हैं वो होते ही कुछ ऐसे हैं कि इनकी त्वचा का रंग सफेद हो जाता है। इन हिरणों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन फिर इनके शिकार पर बैन लगने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 300 तक पहुंच गई। आज इन सफेद हिरणों का कोई ठिकाना न होता अगर इन्हें अपना नया और सुरक्षित घर न मिला होता। असल में जिस जगह पर ये सफेद हिरण रह रहे थे, वहाँ पर बिजली उत्पादन का काम शुरू करने की तैयारियाँ की जा रही थी, मगर खुशकिस्मती से किसी नेक दिल इंसान ने प्रकृति का सम्मान करते हुए ये जगह खरीद ली और इस जमीन को इन बेहद खूबसूरत प्राणियों के हवाले कर दिया। क्या लगता है आपको, कोई अल्बिनो जेब्रा पूरी तरह सफेद हो जाता होगा? क्योंकि इस पर तो सफेद और काली धारियां होती हैं, और अगर ये पूरा सफेद हो गया तो फिर तो ये घोड़े या खच्चर के जैसा दिखने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्बिनो जेब्राज पूरी तरह सफेद नहीं होते, बस उनकी काली चमकदार धारियां बिल्कुल फीकी पड़ जाती हैं। हो सकता है कि ज्यादा दूर से देखने पर ये धुंधली काली धारियां आपको दिखे ही नहीं। हालांकि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें एल्बिनिज्म नहीं बल्कि ल्यूसीइज्म होता है। ये दोनों ही बीमारियां बिल्कुल अलग हैं। एल्बिनिज्म में शरीर की रंगत फीकी या सफेद होने के साथ ही आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है, जबकि ल्यूसीइज्म में केवल रंगत पर असर पड़ता है। आंखों का रंग साधारण ही होता है, और कभी कभी तो ल्यूसीइज्म से पीड़ित प्राणी अपने नेचुरल कलर को वापस भी पा लेता है। एलिगेटर। अब जरा सोचिए कि एलिगेटर्स यानी कि मगरमच्छों के लिए सफेद होना कितना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इन्हें तो अपने शिकार पर छुपकर हमला करना होता है। मगर अगर ये मगर अपने रंग के कारण अपने शिकार से अगर मगर कर ही नहीं पाया तो मेरा मतलब अगर ये अपने आप को छुपा ही नहीं पाया तो ये शिकार कैसे करेगा, और शिकार नहीं करेगा तो अपना पेट कैसे भरेगा।
और ऐसे में तो इसका सर्वाइव कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। एल्बिनिज्म रोगी प्राणी की देखने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है, ऐसे में इनके लिए शिकार करना और भी कठिन हो जाता है। यही कारण है कि एल्बिनो एलिगेटर्स को जू में रखा जाता है, जहां ना तो इन्हें शिकार से छुपने की जरूरत होती है और ना ही शिकार को ढूंढने की झंझट। इन्हें तो बस टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। कई सारे ऐसे जू हैं जहां पर एल्बिनो एलिगेटर्स का संरक्षण किया जाता है, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर सफेद मगरमच्छ एल्बिनो मगरमच्छ ही हो। मिलिए ब्लैंको से, ये एक सफेद नर मगरमच्छ है जो कि कोई एल्बिनो मगरमच्छ नहीं बल्कि एक साधारण मगरमच्छ है, जो सन 1992 से ह्यूस्टन जू में रह रहा था, जिसके बाद इसे स्पेशल होम में ले जाया गया। इसे किसी भी तरह का त्वचा रोग नहीं है। इसकी आंखें भी नीली है, जैसे कि किसी साधारण मगरमच्छ की होती है। व्हेल, हाँ, व्हेल्स भी व्हाइट कलर की होती हैं। मिलिए मिंगलो से, ये ऐसी व्हेल है जिसका निरीक्षण वैज्ञानिक कई सालों से करते आ रहे हैं। ये व्हेल 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के तटों पर देखी गई थी और उस समय से ये दुनिया की इकलौती व्हाइट व्हेल है। ऐसा माना जाता है कि मिगलो का जन्म 1986 से 1989 के बीच हुआ होगा, यानी कि अब ये व्हेल 30 साल से भी ज्यादा उम्र की होगी और इसके हिसाब से ये काफी है, क्योंकि एल्बिनो एनिमल्स ज्यादा जिंदा नहीं बच पाते, कुछ ही होते हैं जो इतना लंबा जीवन जीते हैं। वैज्ञानिक इस बात को लेकर अभी भी श्योर नहीं है कि मिगलो एक एल्बिनो व्हेल है या फिर वो केवल ल्यूसीज्म का शिकार है। इस व्हेल को देखने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नियम भी बनाया है कि कोई भी व्यक्ति इस व्हेल को केवल 500 मीटर की दूरी पर से ही देख सकता है। ऐसा इसलिए ताकि इस इकलौती व्हाइट व्हेल की रक्षा की जा सके, जबकि इसकी रिमोट मॉनिटरिंग लगातार की जाती है जिससे इसकी सारी हरकतों पर निगरानी रखी जा सके। मोर, मोर के तो क्या कहने, मोर तो ऐसे ही बेहद खूबसूरत होते हैं, फिर सफेद मोर का दिख जाना तो सोने पे सुहागे जैसा है। वैसे क्या आपने कभी सफेद मोर देखा है? अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये अपने आप में ही कोई महान सेलिब्रिटी हो। हम आपको बता दें कि ये सफेद मोर कोई अल्बिनो मोर नहीं बल्कि अपने आप में एक स्वस्थ पक्षी है। इनकी बहुत ही सुंदर नीली आंखें होती हैं, जबकि एल्बिनिज्म से पीड़ित प्राणियों की आंखें लाल होती हैं। भारत के जंगलों में भी सफेद मोर पाए जाते हैं। हालांकि ऐसे पक्षियों को सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है जिससे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाए। साधारण मोर और सफेद मोर के बीच संख्या का अंतर होने का खास कारण यही है कि नीले मोर अपने शिकारी से बचने के लिए झाड़ियों में आसानी से छिप जाते हैं, जबकि सफेद मोर चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। उनका शुभ्र सफेद रंग ही उनके लिए उनकी जान का खतरा बन जाता है और इसलिए इस तरह के प्राणियों को संरक्षण में रखा जाता है जहां उन्हें जान और शिकारियों का खतरा ना हो। उन्हें ऐसा माहौल प्रदान किया जाता है जहां वे आराम से रह सके और ज्यादा से ज्यादा नए सफेद मोरों को जन्म दे सके। क्या आप जानते हैं कि इन सुंदर सफेद मोरों के बच्चे हल्के पीले रंग के होते हैं, जो बड़े होते होते पूरी तरह सफेद रंग के हो जाते हैं। टर्टल, इन कछुओं को देखकर शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, क्योंकि अब तक तो आपने केवल और केवल हरे रंग के टर्टल्स ही देखे होंगे, मगर हम आज आपको मिलवा रहे हैं इन एल्बिनो टर्टल से। इन कछुओं की बॉडी पूरी तरह सफेद भी हो सकती है या फिर हो सकता है कि इनके कवच पर कहीं कहीं आपको हल्का सा पिगमेंटेशन भी मिल जाए। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जीव समुद्र में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके। साधारण समुद्री कछुआ हो या फिर सॉफ्ट शेल टर्टल, अल्बिनो टर्टल आपको कछुओं की हर तरह की प्रजाति में मिल ही जाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि अब जो प्राणी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा प्राणी आपने कभी नहीं देखा होगा। ये है व्हाइट पेंगुइन। जब सफेद मगरमच्छ, मोर, व्हेल और कछुए हो सकते हैं, तो फिर पेंगुइन क्यों नहीं? इस पेंगुइन को कुछ टूरिस्ट द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि इस पेंगुइन के पंखों का रंग किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण फीका पड़ गया है। इस स्थिति को एल्बिनिज्म ना कहकर इजाबेलिनिज्म कहा जाता है, जिसमें अनुवांशिकी उत्परिवर्तन के कारण किसी पक्षी के पंख पीले या फिर फीके रंग के हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा दिखने वाला ये अकेला पेंगुइन नहीं है। ऐसा ही एक और पेंगुइन देखा गया जो एक सब अंटार्कटिक पेंगुइन फैमिली से था। लायंस, व्हाइट लायंस बहुत ही रेयर प्राणी है जिन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। हालांकि ये व्हाइट लायन अल्बिनो एनिमल्स नहीं है, इनकी ये सफेद त्वचा किसी खास जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है
जो कि लूसीज़ में ही है, जिसके कारण इन शेरों की रंगत फीकी पड़ जाती है। इन शेरों को साउथ अफ्रीका में देखा जा सकता है, लेकिन इन्हें भी संरक्षण में ही रखा जाता है। जिस तरह सफेद शिकार जल्दी नजर आने से पकड़ाई में आ जाते हैं, उसी तरह सफेद शिकारी यानी कि शेर अपने सफेद रंग के कारण छुपकर हमला नहीं कर पाते। ऐसे में शिकार करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिससे ठीक से शिकार न मिल पाने पर भूख से तड़प कर इनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन वहीं ये सफेद लायंस जू जैसी जगहों पर बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो साथियों, आपको कौन सा व्हाइट एनिमल सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।